हेलो फ्रेंड्स, स्टोरी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज मैं उत्तराखंड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये मैं उत्तराखंड का जो भूगोल है यहाँ से क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो अक्सर वीडियो कनेक्ट है उत्तराखंड पीसीएस, उत्तराखंड ग्रुप सी आदि में पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज हम उत्तराखंड का भूगोल कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ से हर बार एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन जरूर बनते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज हम। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। तो देखिए जो उत्तराखंड का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है ये है 53,443 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे उत्तराखंड राज्य में कुल क्षेत्रफल का पर्वतीय भाग कितना है। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। तो देखिए जो उत्तराखंड का जो राज्य का जो कुल क्षेत्रफल है इसका 46.07% जो है वो पर्वतीय भाग है, जिसका अगर हम वर्ग किलोमीटर में बात करें तो 46,035 वर्ग किलोमीटर क्या है यहाँ पे पर्वतीय भाग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, उत्तराखंड राज्य के कुल क्षेत्रफल का मैदानी भाग कितना है। तो देखिए यहाँ पे 86% तो आपका पर्वतीय भाग हो गया, तो यहाँ पे जो 13.93% है ये है आपका मैदानी भाग है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है जितने भी हमारे जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो अधिकतर पर्वतीय भाग में ही स्थित हैं, ठीक है। तो मैदानी भाग में कितना है, ये है 7,448 वर्ग किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है यहाँ पे, उत्तराखंड राज्य के कुल क्षेत्रफल का कुमाऊं मंडल में कितना भाग है। तो देखिए आपको पता होगा कि जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड को दो भागों में डिवाइड करके दो मंडल हैं, गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल। तो जो कुमाऊं मंडल है, कुमाऊं मंडल में इसका कुल क्षेत्रफल का 39.33% जो है वो कुमाऊं मंडल का है, ठीक है। अगर हम उसकी बात करें तो यहाँ पे 21,035 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे उत्तराखंड राज्य के कुल क्षेत्रफल का गढ़वाल मंडल में कितना भाग है। तो देखिए जो गढ़वाल मंडल में इसका जो भाग है वो है 16.67% जो है वो गढ़वाल मंडल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, उत्तराखंड राज्य का क्षेत्रफल के अनुसार देश में कौन सा स्थान है। तो उत्तराखंड में राज्य का क्षेत्रफल के अनुसार 18वां स्थान है। नेक्स्ट है यहाँ पे, उत्तराखंड का आकार कैसा है। तो उत्तराखंड का जो आकार है वो आयताकार है। नेक्स्ट है पर, उत्तराखंड की अक्षांशीय स्थिति क्या है। तो देखिए जो उत्तराखंड की जो अक्षांशीय स्थिति है वो उत्तरी अक्षांश जो है वो 28°43' से 31°27' तक है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, उत्तराखंड की देशांतरीय स्थिति क्या है। तो उत्तराखंड की जो देशांतरीय स्थिति है ये पूर्वी देशांतर में 77°34' से 81°02' तक है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे, उत्तराखंड राज्य की कुल लंबाई पूर्व से पश्चिम तक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो देखिए जो उत्तराखंड की जो कुल लंबाई है पूर्व से पश्चिम ये है 358 किलोमीटर, ठीक है, 358 किलोमीटर है। नेक्स्ट यहाँ पे, उत्तराखंड राज्य की कुल चौड़ाई उत्तर से दक्षिण की ओर, ये भी पूछा जाता है कई बार। तो उत्तर से दक्षिण की ओर कितनी है इसकी, 320 किलोमीटर। नेक्स्ट यहाँ पे, उत्तराखंड के पूर्व में कौन सा जनपद है। तो उत्तराखंड के पूर्व में पिथौरागढ़ जनपद है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है यहाँ पे, उत्तराखंड में पश्चिम में कौन सा जनपद है। तो उत्तराखंड के पश्चिम में देहरादून है और उत्तराखंड के उत्तर में उत्तरकाशी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है यहाँ पे, उत्तराखंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा कितनी है। तो उत्तराखंड की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह है 625 किलोमीटर। उत्तराखंड कितने देशों से अपनी सीमा रेखा साझा करता है। तो उत्तराखंड है जो वो दो देशों से अपनी सीमा रेखा बनाता है, जिसमें चीन या तिब्बत बोलें, और सेकंड है नेपाल, ठीक है। नेक्स्ट टाइम पे, उत्तराखंड सबसे ज़्यादा किस देश से अपनी सीमा बनाता है या साझा करता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बनाता है चीन से, जो कि 350 किलोमीटर की सीमा रेखा बनाता है उत्तराखंड। नेक्स्ट टाइम पे, उत्तराखंड नेपाल से कितनी सीमा रेखा साझा करता है। तो जो नेपाल है, नेपाल से उत्तराखंड की जो सीमा रेखा है वो 775 किलोमीटर है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे, राज्य के पूर्व में कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। तो पूर्व की बात करें तो पूर्व में कौन सा, नेपाल से अपनी सीमा रेखा बनाता है। जबकि अगर वहीं हम उत्तर की बात करें तो उत्तर में चीन से ये अपनी सीमा रेखा बनाता है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट यहाँ पे, उत्तराखंड राज्य से कितने राज्यों की सीमा रेखा लगी हुई है।
तो उत्तराखंड राज्य से दो राज्यों की सीमा रेखा लगी हुई है, जो कि उत्तर प्रदेश और हिमाचल है, और ये देहरादून जनपद से लगी हुई है इसकी। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करने वाले जिलों की संख्या कितनी है। तो देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है इनको स्पर्श करने वाले, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमा मतलब आपके जो जो चीन हो गया और जो नेपाल है, इनसे पांच राज्य अपनी सीमा रेखा बनाते हैं, जिसमें से पिथौरागढ़, चंपावत, उधम सिंह नगर, चमोली और उत्तरकाशी हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पे तिब्बत चीन की सीमा को स्पर्श करने वाले जनपदों की संख्या कितनी है। तो देखिए, जो चीन है यानी तिब्बत है, जो इससे स्पर्श करने वाले तीन डिस्ट्रिक्ट हैं, जो कि पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे, नेक्स्ट यहाँ पे नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले जनपदों की संख्या कितनी है। तो जो नेपाल है, नेपाल को तीन डिस्ट्रिक्ट नेपाल को भी नेपाल से सीमा रेखा बनाते हैं, जिसमें से पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर है। नेक्स्ट यहाँ पे उत्तराखंड का वह जनपद जिसे दो देशों की सीमा स्पर्श करती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो जो पिथौरागढ़ है, पिथौरागढ़ एक ऐसा जनपद है जो अपनी सीमा रेखा नेपाल से बनाता है और तिब्बत यानी चीन से बनाता है। नेक्स्ट यहाँ पे सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा वाला जनपद कौन सा है। तो वही आपका जो पिथौरागढ़ है, वो सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाने वाला है, जो कि नेपाल और चीन से बनाता है। नेक्स्ट यहाँ पे उत्तर प्रदेश से कितने जनपदों की सीमा लगी हुई है। तो देखिए, जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश से पांच राज्यों की सीमा लगी हुई है, जिसमें से उधम सिंह नगर, नैनीताल, हरिद्वार, पौड़ी और देहरादून है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे हिमाचल प्रदेश से कितने जनपदों की सीमा लगी हुई है। तो जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश से दो जनपदों की सीमा रेखा लगी है, जिसमें देहरादून और उत्तरकाशी अपनी सीमा रेखा हिमाचल से बनाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे उत्तराखंड के कितने जिलों की सीमा रेखा दूसरे राज्यों को स्पर्श करती है। तो इसमें जो छः हैं, छः में जो उधम सिंह नगर है, नैनीताल है, पौड़ी है, हरिद्वार है, देहरादून है और उत्तरकाशी है, ये क्या करते हैं, दूसरे राज्यों से अपनी सीमा रेखा बनाते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है कि छः जनपद ऐसे हैं जो दूसरे राज्यों से सीमा रेखा बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है यहाँ पे उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा किस जनपद की सीमा रेखा स्पर्श करती है। तो आपको याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो यूपी है, उत्तर प्रदेश से उधम सिंह नगर जो है, इसकी सबसे ज़्यादा सीमा रेखा स्पर्श करती है। नेक्स्ट यहाँ पे उत्तर प्रदेश से सबसे कम किस जनपद की सीमा रेखा स्पर्श करती है। तो उत्तर प्रदेश से सबसे कम जो है वो नैनीताल की सीमा रेखा स्पर्श करती है, सबसे कम पूछे तो, सबसे ज़्यादा उधम सिंह नगर। नेक्स्ट यहाँ पे उत्तराखंड का वह कौन सा जनपद है जो सबसे ज़्यादा जनपदों से घिरा हुआ है। तो वह है पौड़ी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आता है ये क्वेश्चन, पूछा जाता है। तो जो पौड़ी है, पौड़ी जो है वो सात जनपदों से, ठीक है, कौन कौन से, हरिद्वार, देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा और नैनीताल से घिरा हुआ है या सीमा रेखा बनाता है। नेक्स्ट यहाँ पे सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जनपद कौन सा है। तो यह है देहरादून, जो कि उत्तर प्रदेश और हिमाचल से अपनी सीमा रेखा बनाता है। नेक्स्ट यहाँ पे उत्तराखंड की कितने धरातलीय विन्यास के आधार पर कितने क्षेत्रों में बांटा गया है। तो हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए, तो इसमें उत्तराखंड को आठ पार्ट में बांटा गया है। ठीक है, जिसमें से शिवालिक क्षेत्र, ट्रांस हिमालय क्षेत्र, लघु हिमालय क्षेत्र, बृहद हिमालय क्षेत्र, दून क्षेत्र, तराई क्षेत्र, बाबर क्षेत्र और गंगा का मैदानी क्षेत्र, आठ भागों में डिवाइड किया गया है। कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन, आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे किस क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं मिलते हैं। तो ये मिलता है तराई क्षेत्र में, पाताल तोड़ कुएं। नेक्स्ट यहाँ पे उत्तराखंड के अधिकांश पर्यटन स्थल किस क्षेत्र में स्थित हैं। तो देखिए, जितने भी जो पर्यटक स्थल हैं, ये अधिकांश जो हैं वो शिवालिक क्षेत्र में स्थित हैं। नेक्स्ट यहाँ पे मसूरी की पहाड़ियाँ किस क्षेत्र में स्थित है। तो आपको याद रखना होगा कि जो मसूरी वाला क्षेत्र है वो मध्य हिमालय क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट यहाँ पे उत्तराखंड की सबसे ऊँची चोटी कौन सी है। तो उत्तराखंड की सबसे ऊँची चोटी नंदा देवी है, जिसकी हाइट 7,817 मीटर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट यहाँ पे जो फूलों की घाटी है वो किस क्षेत्र में, ये भी कई बार पूछा जाता है, कई बार ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, ग्रुप सी में कई बार पूछा गया है कि फूलों की घाटी किस क्षेत्र में स्थित है। तो जो फूलों की घाटी है वो बृहद हिमालय क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पे उत्तराखंड में विंटर लाइन प्राकृतिक घटना कहाँ देखने को मिलती है। तो ये मिलती है मसूरी में। देखिए दोस्तों, अभी हाल ही में जो 25 तारीख से और 30 तारीख तक दिसंबर में विंटर कार्निवाल ही मनाया गया, हर साल मनाया जाता है ये। ठीक है, 2005 से करीब ये शुरुआत हुई थी इसकी, विंटर लाइन की। तो आपको याद रखना है कि जो विंटर लाइन है वो मसूरी में मनाया जाता है।
ठीक है, इसकी घटना मसूरी में देखने को मिलती है। नेक्स्ट यहाँ पे उत्तराखंड को प्रभावित करने वाले प्राकृतिक आपदाएं कौन सी हैं, तो देखिए उत्तराखंड को प्रभावित करने वाले प्राकृतिक जो आपदाएं हैं वो यहाँ पे भूस्खलन है, बादल का फटना, भूकंप, बाढ़ और वन अग्नि है। नेक्स्ट यहाँ पे राज्य को प्रभावित करने वाली सबसे ज़्यादा आपदा कौन सी है, तो यह है भूकंप और बाढ़। नेक्स्ट यहाँ पे उत्तराखंड भूकंप के कौन से जोन में है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उत्तराखंड जो है वो भूकंप के जोन से जोन 4 और जोन 5 में है। नेक्स्ट यहाँ पे संवेदनशील जोन 4 में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, तो इसमें आते हैं आपके जोन 4 में देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, नैनीताल और उधम सिंह नगर। नेक्स्ट यहाँ पे अति संवेदनशील जोन 5 में कौन कौन से आते हैं, तो जोन 5 में आते हैं यहाँ पे पिथौरागढ़, चमोली, चंपावत, अल्मोड़ा और रुद्रप्रयाग। नेक्स्ट यहाँ पे केदार व मंदाकिनी घाटी में आपदा कब आई थी, ठीक है, तो ये आपको पता होगा, ठीक है, तो कब आई थी, ये आई थी 16-17 जून 2013 को। देखिए यहाँ से क्वेश्चन ये वाला बनता है ज़रूर, देखिए हर बार बना है, आपने देखा होगा कई बार ये क्वेश्चन में एलटी में भी आया था अभी, तो देखिए ये वाला क्वेश्चन बनता है कि केदारनाथ और मंदाकिनी घाटी में आपदा में सेना द्वारा राहत कार्य के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये चलाया गया था ऑपरेशन सूर्य होप। नेक्स्ट यहाँ पे उत्तराखंड में SDRF का गठन कब हुआ, तो SDRF का गठन जो हुआ था वो हुआ था 12 जुलाई 2013 को। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपदा प्रबंधन हेतु उत्तराखंड को कितने भागों में बांटा गया है, तो देखिए आपदा प्रबंधन हेतु उत्तराखंड को 25 भागों में बांटा गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार से आज हमने उत्तराखंड के जो भूगोल हैं इससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी इसके लिए प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।